हेलो फ्रेंड्स, अक्सर ज्यादा चलने की वजह से, पैरों पर ध्यान ना देने की वजह से या फिर पेडिक्योर ना कराने की वजह से एक प्रॉब्लम हर लड़की को होती है और वो होता है हील पेन, यानी कि एड़ियों का दर्द, जो बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होता है। आज मैं आपके दोस्त के लिए कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपने एड़ियों के दर्द से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। नंबर वन, पैरों की एक्सरसाइज करें। पैरों में और एड़ियों में दर्द सबसे ज्यादा तब होता है जब हम उन पर दबाव डालना शुरू करते हैं और वर्कआउट करना कम कर देते हैं। इसीलिए यदि आपकी एड़ियों में ज्यादा दर्द होने लगा है तो पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। टिप नंबर टू, पैरों की सिकाई करें। यदि पैरों में और एड़ियों में बहुत दर्द है तो आप उनकी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई के लिए आप तवे की सिकाई कर सकते हैं या फिर हॉट एयर बैग की भी सिकाई कर सकते हैं। इन दोनों ही चीजों की सिकाई करने से पैरों को गर्माहट मिलेगी और आपको आराम भी मिलेगा। टिप नंबर थ्री, काउच स्ट्रेच। जी हाँ, ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है जिसको करने से पैरों पर बल पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों में होने वाला दर्द और संक्रमण दूर होता है। यदि आपकी एड़ियों में और पैरों में दर्द है तो आप काउच स्ट्रेच कर सकते हैं। टिप नंबर फोर है, सही आकार के जूते पहनना। कई बार हम अपने फैशन के लिए या फिर शो दिखाने के लिए कुछ ऐसे जूतों का प्रयोग करते हैं जो या तो हमारे पैरों से बड़े होते हैं या हमारे पैर उनके अंदर अच्छे से फिट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें असुविधा तो होती ही है, साथ ही साथ हमारे पंजों में और एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसीलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगी कि आप भी हमेशा सही तरीके के और सही फिट के जूते ही पहने। मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था। शादी में जाने के चक्कर में गलत सैंडल पहन ली थी, जिसकी वजह से 2 दिन तक मेरे पैरों में बहुत दर्द होता रहा। इसीलिए आप ये गलती बिल्कुल ना दोहराएं और अपने लिए हमेशा सही जूते को ही चुनें। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिन्हें अपनाकर आप अपने पैरों के और एड़ियों के दर्द को अपने आप से दूर कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।